पुलवामा वो ब्लैक डे जब रो पड़ा था पूरा देश, आतंकियों ने सीआरपीएफ के 40 जवानों को बनाया था निशाना। 14 फरवरी के दिन भारत के इतिहास में काला दिन मनाया था क्योंकि आज ही के दिन पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए। आज जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा अटैक की 5वीं वर्षी है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। सड़क पर उस दिन भी आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था तभी सड़क की दूसरी तरफ से आ रही कार ने सीआरपीएफ के काफिले के साथ चल रही वाहनों में टक्कर मारी। जैसे ही सीआरपीएफ जवानों के काफिले से टकराई वैसे उसमें विस्फोट हो गया। इस घातक हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। धमाका इतना भयंकर था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा वहां का दृश्य इतना भयंकर था कि उसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के सब इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। चारों तरफ खूनी खून और जवानों के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। जवान अपने साथियों को तलाश में जुटे हुए थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया। घायल जवानों को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। जवान का काफिला जम्मू स्थित द्रामा ट्रांसिट कैंप से श्रीनगर के लिए निकला था। जवानों को जल्दी से सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शीश स्टेडियम ट्रांसिट कैंप में पहुंचना था। ये सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 से जवान सफर कर रहे थे। 78 बसों में 2500 जवानों को लेकर काफिला जम्मू से रवाना हुआ था लेकिन पुलवामा में ही जैश के आतंकियों ने जवानों को निशाना बना लिया जिसमें कई जवान शहीद हो गए। जवानों के इस काफिले में कई जवान छुट्टी पूरी करके ड्यूटी में वापस आ रहे थे। वहीं बर्फबारी की वजह से जो जवान श्रीनगर जाने वाले थे वो भी इसी काफिले में सवार थे। जैश सभी 2500 जवानों को निशाना बनाना चाहता था। हमले के बाद सीआरपीएफ के अधिकारी की ओर से हमले के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि काफिले में करीब 70 बस थी और उन्हीं में से एक बस चपेट में आ गया। काफिला जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि आतंकी संगठन जैश ने टैक्स के माध्यम से हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। जैश ने ये मैसेज कश्मीर के न्यूज एजेंसी GNS को भेजा था। पुलवामा के अंतीपुरा से जब सीआरपीएफ के जवान को लेकर बस गुजर रही थी उसी समय एक कार बस से टकराई थी। ये कार पहले से ही हाईवे पर खड़ी थी। जैसे ही जवानों की बस वहां पर पहुंची जोरदार धमाका हुआ। जिस जगह पर हमला हुआ था वहां से श्रीनगर की दूरी करीब 33 किलोमीटर थी और काफिले को पहुंचने में करीब घंटे का समय बचा हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि जवानों के शरीर के चिथड़े उड़ गए थे। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला था। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा के रानीपत इलाके में हुआ इनकाउंटर में सुरक्षा वालों ने जैश के आतंकियों को ढेर कर दिया था तो इसी का उसने बदला लिया। पुलवामा के अंतिपुरा घटना ने देश को गहरा शॉक में डाल दिया। इस दुखद हादसे से हमें फिर से एक बार याद आई कि हमें आतंकवादी के खिलाफ एकजुट रहना होगा। हमारी सेना और सुरक्षा वालों के साहस और बलिदान को सलाम है। ये घटना हमें और भी मजबूत बनाती है कि हमें आतंकवादी के विरुद्ध लड़ाई में एक साथ खड़ा होना होगा। तो ये थी आज की वीडियो जो कि पुलवामा के ऊपर, जैसे कि 14 फरवरी भारत के इतिहास में आज के दिन को काला दिन माना जाता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और जैसे कि वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक किया हो तो कमेंट में जरूर सजेस्ट कीजिएगा जो कि मैं खुद को बेहतर बना सकूं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।